होगी। स्टार्ट कर दिया अब। ठीक है, सॉल्यूशन में किसी को कोई डाउट है बोलो। सॉल्यूशन में किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर, कोई डाउट नहीं। दे दिया था मैंने, सारा दे दिया फॉर्मूला, उस दिन भी बंद हो गया था तो फॉर्मूला मैंने दे दिया और सारा कर लेना है। सर, आप जिस ग्रुप में भेजो सर, उस ग्रुप में हम नहीं हैं। अच्छा ठीक है, तो उसमें जोड़ देंगे आपको। सर आप दो दो ग्रुप बना के रखे, आप कभी सर इस कुछ दो नहीं चार है, चार चार ग्रुप है, दो नहीं चार पांच ग्रुप है, कभी में जोड़ देंगे ना। हाँ तो सर मुझे जोड़ लीजिए, मेरे पास नहीं आया। ठीक है, किसी बच्चे को और कुछ पूछना है सॉल्यूशन से बोलो भाई, किसी को सॉल्यूशन से कुछ पूछना है? आयुष क्वेश्चन ही नहीं बना रहा है, तू लोग तो पूछेगा क्या? बनाएंगे उसके बाद। वही ना आदिति, देख विजय, अरे कभी आते हो कभी नहीं आते हो, कहाँ रहते हो दिग्विजय? अरे यार कभी आता है कभी आता ही नहीं है, गायब हो जाता है, बोल ही नहीं रहा है अब। सुनो। यस सर। कुछ पूछना है सॉल्यूशन से? नो सर, अभी पढ़ी नहीं। कुछ नहीं पूछना है, ठीक है चलो आगे पढ़ते हैं। आज मैं करा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन रिलेशनशिप। क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का क्या एप्लीकेशन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड का मतलब है कि केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का क्या काम और कैसे रिलेशन है, इसके बारे में। तो ये दो तरह का होगा, एक केमिकल रिएक्शन अकर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं और उससे हम बिजली बनाते हैं, तो केमिकल रिएक्शन होता है और बिजली प्रोड्यूस होता है। दूसरा, By using electricity, chemical reactions happens. बिजली को यूज करके केमिकल रिएक्शन बनाना और केमिकल रिएक्शन को यूज करके बिजली बनाना, ये एक दूसरे के उल्टे हो गए। क्या रिलेशन हुआ? केमिकल रिएक्शन को यूज करके बिजली बनाना और यहां बिजली को यूज करके केमिकल रिएक्शन करना। समझ आया या नहीं आया? यहां yes, बिजली को यूज करके केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं और यहां केमिकल रिएक्शन को यूज करके बिजली बना रहे हैं। जैसे इसमें आएगा बैटरी,
बैटरी में क्या होता है या सेल, हम मोबाइल की बैटरी लेते हैं या सेल है, क्या होता है उससे बिजली बनती है ना, टॉर्च रोशनी सो ऑन, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है हमारी बैटरी में, सेल में केमिकल रिएक्शन होता है और उससे बिजली प्रोड्यूस होती है। और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद और भी जैसे इसके अंदर बिजली को करके केमिकल रिएक्शन कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, प्यूरिफिकेशन हुआ, सम मोर रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस हुआ, ये सब सारी हम कराते हैं बिजली को यूज करके। और जैसे देखो बैटरी चार्ज, यस बैटरी हम मोबाइल की चार्ज करते हैं, बैटरी चार्जिंग, इसमें क्या होता है बिजली को यूज करके बैटरी में केमिकल रिएक्शन कराया जाता है। और जब हम यूज करते हैं मोबाइल तो केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी में और उससे बिजली बनती है, ये उल्टा होता है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, इसमें चार्जिंग और इसमें डिस्चार्जिंग, जब हम मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो उसमें ये प्रोसेस हो रहा होता है। जब हम चार्जिंग में लगा देते हैं तो ये प्रोसेस होने लगता है, समझ आया। तो इसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाते हैं। कोई डाउट है? दो तरह का सेल है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एनसीईआरटी में थोड़ा अलग दिया हुआ है, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। किसी बच्चे को इतने में कोई डाउट है तो पूछो। जितना चीज मैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, क्या किया, एक तांबे का गिलास लिया और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया और घर के अंदर रख दिया, लोग आएगा कहेगा अरे वाह सोने का गिलास रखा, लोगों को ठगने के लिए, या हो सकता है डेकोरेशन के लिए, हमने कहा कोई घटिया मेटल लिया सस्ता, उसके ऊपर चांदी का पानी चढ़ा दिया, सोने का पानी चढ़ा दिया, तो क्या होगा, ठग सकते हैं दूसरे को कि अरे सोने का गिलास में पानी पी रहा है, हो सकता है एक गिलास ले ले तांबे का हो, उस पे सोने का पानी चढ़ा दें और उस गिलास में पानी पी रहे, लोग कहेगा अरे यार बहुत अमीर है सोने के गिलास में पानी पी रहा है, कोई चुरा भी ना ले, ये भी हो सकता है, हो सकता है ना। यस सर। कभी कभी घड़ी हम खरीदते हैं उसके बेल्ट जो होता है चेन, वो सोने का पानी चढ़ा देते हैं, लगेगा अरे सोने का, लिखा भी होता है गोल्ड प्लेटेड चेन, गोल्ड प्लेटेड सोन, होता है ना। पानी का नलका होता है, आप पानी के नलके में देखो लोहे पर आप पानी डालो जंग लग जाएगा, लेकिन पानी का नलके में तो हमेशा ही पानी आता है, वो उसमें क्यों नहीं जंग लगता, वो क्रोम प्लेटिंग होता है, वो स्टेनलेस स्टील भी नहीं होता है, उसके ऊपर क्रोम प्लेटिंग होता है, बहुत चमकदार होता है नलका, तो क्रोमियम का प्लेटिंग किया हुआ होता है, समझ आया। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसीलिए किया जाता है, तो ये इस प्रोसेस में आएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। दो तरह का सेल आया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देख विजय आया समझ? अरे यार बोल ही नहीं रहा है, चुप चुप बैठा है। देख विजय आया नहीं आया? अनुज आ गया सर। आ गया, चलो ठीक है, तो मैं इसे मिटा दूंगा। अब मैं इस पे चलता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। यदि कोई पूछे आपको
कि कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? मान लो मैं ही पूछ रहा हूँ, कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। मैं कह रहा हूँ गलत है ये, गलत है ये। सर इसमें उल्टा होता है। उल्टा होता है वो भी गलत है। अरे भाई बताना पड़ेगा किस सेल में। ये मान लो एक लिया, एक प्लेट, एक कप लिया, उसमें मैं सोने का पानी चढ़ाना चाहता हूं, एक कप पे सोने का पानी चढ़ाना चाहता हूं, क्या करूंगा? ये सोने का ले लो और ये सॉल्यूशन जो है वो भी सोने का ही होगा, Ag प्लस, और ये हमारा कप है, मान लो कॉपर का ले लिया या कुछ और चीज का ले लिया। अब इसमें बिजली पास कराओगे तो कैथोड जो है की तरफ जाएगा कैथायन, और एनोड की तरफ जाएगा एनायन। तो ये प्लस है, तो ये है हमारा कैथोड ये, और ये है हमारा एनोड। तो एनोड पे एनायन निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब एनोड क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और कैथोड क्या होगा? निगेटिव होगा। अच्छा अभी बताता हूँ ना, आपकी बात को गलत करने के लिए मैंने पूरा इंतजाम कर रखा है ना। तो अभी तो आप भी बोले थे कि ये निगेटिव होगा। मैं अभी बता रहा हूँ ना, दूसरा लिया, ये है हमारा सेल दूसरा, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ये कौन सा है? ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हमने क्या किया, यहाँ एक बैटरी बनाई और बल्ब लगाया। ये हमने लिया कॉपर, और ये हमने लिया जिंक, ये इसको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया, ये है एनोड और ये है कैथोड। यहाँ एनोड नेगेटिव और यहाँ कैथोड पॉजिटिव, और ये बल्ब जलने लगेगा। तो जब आपको मैं पूछूंगा कैथोड क्या है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव। तो मैंने कहा अरे नहीं, मैंने तो इसमें पूछा था तो ये यहाँ तो नेगेटिव है, और जब आप कहेंगे कैथोड नेगेटिव तो मैंने कहा अरे नहीं, मैंने तो इसमें पूछा था ये पॉजिटिव। तो आप क्या जवाब देंगे? यदि कोई पूछता है कैथोड क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? किस सेल में, क्या कहेंगे? किस सेल में? यदि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो यहाँ कैथोड पॉजिटिव है, और यदि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो यहाँ कैथोड निगेटिव है। तो मैंने आपका जो गलत किया था वो ठीक था ना? यस सर। जी हाँ, समझ आया? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। यही पद से आ रहे थे। अब आप क्या पढ़ रहे हैं उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, आप गलत पढ़ रहे थे। आप गलत में तो पढ़ सकते, तो वो पढ़ाने वाला गलत था, फिर आप गलत नहीं थे, वो पढ़ाने वाला गलत था। किसी बच्चे को कोई डाउट है इस पॉइंट में? सर ये वाला एक बात बताइए ना, एक पेरेंट्स हम पढ़ाते थे एक बच्चे को, तो इंजीनियरिंग किए हुए थे, 3 दिन तक परेशान रहे कि पॉजिटिव होता है नेगेटिव। फिर मैंने उनको समझाया ऐसे होता है, क्योंकि किताब में कुछ से कुछ कभी पॉजिटिव लिखा मिले कभी नेगेटिव लिखा मिले, वो तो कंफ्यूज हो गई यार क्या होता है। देखो कैथोड जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी, तो जब हम उसको डिस्चार्जिंग में लगाएंगे, जब हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं, सपोज करो मैं अपने मोबाइल को अभी यूज कर रहा है,
तो यहाँ पर कैथोड क्या होगा, ये वाला हमारा है अभी, यहाँ पॉजिटिव है और मैं इस फोन को चार्जिंग में लगा देता हूँ, अब कहूंगा कैथोड क्या होगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो होता है जिसमें बाहर से बिजली देते हैं और केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें क्या हुआ, यहां से बिजली दिया गया, क्या हुआ इस अलग से एक्सटर्नल सोर्स से बिजली दिया और यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ, ये टूट टूट करके और यहां जमा हो गया, तो ये यहां पर प्लेटिंग होता चला जाएगा। इस कप के ऊपर थोड़ा थोड़ा सोने का पानी चढ़ जाएगा। क्या देखा आपने, एक्सटर्नल सोर्स से बिजली से यूज करके केमिकल रिएक्शन करा दिया, तो ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मोबाइल को चार्ज करते हैं, जब लाइट नहीं आ रही हो, बिजली नहीं आ रही, तो चार्ज कर लोगे क्या? तो बाहर से आप बिजली देते हैं और उसके अंदर मोबाइल के अंदर रिएक्शन होता है, गर्म हो जाता है मोबाइल चार्जिंग में लगाने पर। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हो रहा होता है केमिकल, और ज्यादा गर्म करते हैं तो बैटरी फूल जाता है या फट भी जाता है कभी कभी। क्यों? लेकिन आज के मोबाइल नहीं फटते, जो हमारा आज का मोबाइल है उसमें सॉफ्टवेयर ऐसा बना दिया गया है कि फुल चार्ज होने के बाद करंट देना बंद कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं। समझ आया? पिछला मोबाइल जो पुराने जो मोबाइल हो रहे थे उसकी बैटरी फुल हो रही, फुल जाती थी, और इसीलिए बैटरी निकालने का प्रोसेस था कि नया बैटरी लगाओ। आज के मोबाइल में बैटरी निकालने का प्रोसीजर ही नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पुराने मोबाइल की जो टेक्निक्स थी उस बैटरी की, वो अलग थी और आज की अलग है। समझ आया? इसमें क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हुआ कि बाहर से बिजली लिया और केमिकल रिएक्शन हुआ। इसके अंदर क्या हुआ, अंदर ये रिएक्शन हुआ और इससे बिजली बनी। ये रिएक्शन से बिजली बनी। क्या देखा, दोनों में क्या फर्क है? लिक्विड क्या है, वाटर है क्या? नहीं, लिक्विड वाटर नहीं है, इसी का सॉल्यूशन होगा। ये जिंक है तो Zn प्लस टू, और ये कॉपर है तो ये कॉपर प्लस टू। समझ आया? अब बताओ कैथोड पॉजिटिव है या नहीं? आयनिक ही होगा सर। हाँ, क्या कह रहे हो? आयनिक सॉल्यूशन होगा। हाँ हाँ, सॉल्यूशन आयनिक ही होंगे, और कौन से होंगे? वो बिना आयन के करंट ही नहीं पास होगी। अभी आते हैं उस बात पे। तो आप बताओ बच्चों, पूछो। ये जो सर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन वाला सेल है, एक बार फिर से बताएंगे? ये जो जिसमें बल्ब, ये बहुत बार बताएंगे, अभी टेंशन मत लो, इसको बहुत बार बताएंगे, आगे वही पढ़ाएंगे। तो हमने कहा अच्छा आएगा, अभी आएगा ना, वो ये वाला आ गया ना? यस सर, वो आ गया। ठीक है, ये भी आएगा। मेरा अब ये क्वेश्चन है कि कैथोड पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? सर दोनों हो सकता है, उसके लिए कंडीशन, उसके लिए सर अलग अलग कंडीशन। क्या कंडीशन है सर? जब हम बाहर से मतलब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब वो नेगेटिव होगा, और जब सर वो खुद इलेक्ट्रिसिटी बनाया। इसके लिए ये बात कर दो ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये बात कर दो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नेगेटिव और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव। बात खत्म। किसी बच्चे को कोई डाउट? दिग्विजय, सोनू, अनुज? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। आर्यन, तुमको? नो सर, कोई डाउट नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसको हटा देते, इसको बाद में पढ़ेंगे।
अब एक एक करके हमें पढ़ना है, तो इस बैटरी के बारे में पढ़ते हैं, इस सेल के बारे में पढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं किससे? सेल्स। सेल्स, सेल में क्या होता है? रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स के कौन से रिएक्शन हैं? रिडॉक्स के कितने रिएक्शन होते हैं? एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। बिजली कैसे बनाओगे? सेल से। सेल कैसे बनाओगे? सेल में कहां से एनर्जी? रिएक्शन से। कौन से रिएक्शन से? रिडॉक्स से। कौन सा रिडॉक्स का रिएक्शन? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। रिडॉक्स के दो रिएक्शन होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है ये समझो। मैं एक कंटेनर लेता हूं, इसमें एक बल्ब लगाता हूं वायर से। अच्छा उसको, नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसको कर देंगे कोई इशू नहीं। ये देखिए, हमने एक ही कंटेनर के अंदर हवा रहा है। यस सर। अरे नाइन चैट्स, कौन कौन सा सर? अच्छा ये कौन बता रहा है? ठीक है। देखो हमने क्या किया, यहां भी जिंक डाला था, कॉपर डाला था, यहां भी जिंक डाला, कॉपर डाला, बाकी सारी चीजें। अब बताओ ये बल्ब हमने लगाया और ये बल्ब लगाया, दोनों ही बल्ब जलेंगे या कोई भी नहीं जलेगा, या एक जलेगा एक नहीं जलेगा, क्या होगा? पहले वाला जलेगा, दूसरा वाला नहीं जलेगा। नहीं जलेगा, ऐसा क्यों? दूसरे वाले में क्या है? रिएक्शन देखिए दोनों में क्या हो रहा है। जिंक जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है कॉपर, तो इसको जोड़ देंगे तो Zn प्लस Cu प्लस टू, Zn प्लस टू प्लस Cu। इसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो भी यही है, Zn प्लस Cu प्लस टू, Zn प्लस टू प्लस Cu, दोनों में सेम रिएक्शन। तो ऐसा क्यों होगा कि एक में जलेगा एक में नहीं जलेगा? क्या रिएक्शन हुआ? सही है, इसमें जलेगा और इसमें नहीं जलेगा, ऐसा क्यों? अब आप लोग आंसर मुझे बताइए, आपको कहीं से आना है तो आप शॉर्टकट रास्ता लेते हैं क्यों? जल्दी पहुंचने के लिए, और एनर्जी बचाते हैं, घूम के आएंगे तो बहुत पेट्रोल जल जाएगा गाड़ी का, और शॉर्टकट से चले जाएंगे तो कम पेट्रोल जलेगा। यस सर। शॉर्टकट से जाएंगे तो क्या होगा? कम पेट्रोल जलेगा, और घूम के आएंगे तो ज्यादा पेट्रोल जलेगा, ज्यादा लगेगा। समझ आया? यस सर। अब देखिए यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन निकला ये टूटेगा तो Zn प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन या तो इधर से घूम के जाए लंबे रास्ते से, और या नहीं तो अंदर से ही चले जाए, किसके पास जुड़ जाए।
ये अंदर से कौन सा आसान है, कौन सा आसान अंदर से चल जाएगा, कम है ना, तो ऊपर से तो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं तो जलेगा कस नहीं तो। लेकिन यदि शॉर्टकट वाला रास्ता बंद कर दिया जाए तो सर खुल जाना ही पड़ेगा। जी हाँ, तो ये जो टूटा Zn प्लस टू और प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को आगे रास्ता ही नहीं है तो इसको मजबूरी में क्या होगा, किधर से जाएगा, लॉन्ग पाथ जाना पड़ेगा। तो ये टूटता चला जाएगा और ये जुड़ता चला जाएगा, तो क्या होगा, बल्ब जलेगा। यदि मैं यहाँ पर एक छोटा सा पतला पाइप से इस दोनों कंटेनर को जोड़ दूं तो क्या होगा, तो सर कुछ बल्ब का सर इंटेंसिटी है जलने का वो कम हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से चले जाएंगे, सभी इलेक्ट्रॉन इधर से ही जाएंगे, जब शॉर्टकट खुला है कम टाइम में पहुंच जाएंगे तो उधर से, तो ज्यादा मतलब भीड़ भाड़ हो जाएगा तो सब इधर से एक साथ से निकलेंगे, तब भी इधर से कम एनर्जी लगेगा जाने में, इधर से ज्यादा एनर्जी लगेगा जाने में, शॉर्टकट वाले से जाते हो मान लो कहीं तो कहेगा 10 रुपए में पहुंचा देंगे और लॉन्ग कट हम से 100 रुपए में पहुंचाएंगे, तो कोई ऐसा आदमी होगा जो कहेगा चल 100 वाले में ले चल 10 वाले में नहीं जाना, ऐसा होगा। सभी बल्ब बुझ जाएगा, वो ऐसा ही हो गया। यस सर, ये दोनों तो एक ही हो गए अब कंटेनर, तो इसीलिए ये दो अलग अलग कंटेनर हमको चाहिए, तो इसमें क्या हुआ, ये कौन सा है, ये है इनडायरेक्ट के अंदर एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरे कंटेनर में रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्या हुआ, क्या देखा आपने, इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक कंटेनर में आधा रिएक्शन और दूसरे कंटेनर में आधा रिएक्शन, एक में ऑक्सीडेशन हाफ और एक में रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और इसमें क्या हुआ, सेम कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो डायरेक्ट में क्या होता है, सेम कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, और इनडायरेक्ट में क्या है, डिफरेंट कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, समझ आया। सेल किससे बना सकते हैं, सेल किससे बना सकते हैं, इनडायरेक्ट वाले से बना सकते, समझ आया बच्चों, अब आया आद्या। यस सर। सेल कैसे बना सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन से, इन कौन सा रिडॉक्स, इनडायरेक्ट वाले से, समझ आया आर्यन। यस सर। आयुष। यस सर। आ गया। हाँ ठीक है, अब हम आगे करते हैं सेल के अंदर, फिर सेल, अब सेल किससे बनाएंगे, अगला सवाल उठता है कि सेल किससे बनाएंगे, ये तो पता चल गया कि सेल बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक बारी फिर से लिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैसे हुआ, सेल कैसे बना, रिडॉक्स कौन सा, इनडायरेक्ट। अब ये किस चीज में होगा इनडायरेक्ट और कौन सा,
ये सवाल आ गया। कोई डाउट? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किससे? सेल से। सेल किससे बना? रिडॉक्स से। कौन सा रिडॉक्स? इनडायरेक्ट। ये किस में होगा? अब यहां पर हमें आएगा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट एंड हाफ सेल। अब डिफरेंट, अब हमारा आया डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? लिक्विड कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और क्यों? इलेक्ट्रिसिटी व्हाट एंड व्हाई? बताओ। बिजली क्या है और क्यों होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। फिजिक्स के अंदर अलग होगा भाई और केमिस्ट्री के अंदर अलग होगा। बताओ फिजिक्स में क्या है, बिजली क्या है और क्यों होता है? बोलो। फ्लो ऑफ चार्जेस चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज क्यों होता है? फ्लो ऑफ चार्ज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन आया पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंस तो हम निकाल लेंगे। केमिस्ट्री के अंदर क्या है? फ्लो ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। चार्ज नहीं इसमें। केमिस्ट्री के अंदर बिजली क्या है? फ्लो ऑफ आयंस या चार्ज। अब ये कैसे होगा? ये भी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल क्या है? यहां भी क्वेश्चन मार्क। सर इंफिनिटी से सर किसी भी चार्ज पार्टिकल को उसके फील्ड में चलाने तक जितना सर काम करना पड़ता है उसकी सर जितना एनर्जी लगता है उसको पोटेंशियल कहते हैं। क्या समझे? फिजिक्स में क्या है पोटेंशियल और केमिस्ट्री में क्या है? फिजिक्स में क्या है पोटेंशियल और केमिस्ट्री में क्या है? सर आया? यस सर। क्या क्या कह रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। बोलो तो पुलिस के लगता है। फिजिक्स में पोटेंशियल क्या है? एक चार्ज लिया इन्फिनिटी पर,
इन्फिनिटी से इसको खींच कर लाओ एक पर्टिकुलर पॉइंट पी तक, तो वर्क डन जो हुआ उसने सब जितनी वो है पोटेंशियल।